दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो में, तो इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में आप रक्षाबंधन में राखी कब बांधेंगे? रक्षाबंधन का त्यौहार तो दोस्तों दो दिन बताया जा रहा है, लेकिन आपको किस दिन राखी बांधनी है, शुभ मुहूर्त क्या होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 मिनट का शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, और इसके साथ ही अगर आप सुबह उठकर भी राखी बांधेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। तो सही मुहूर्त क्या है, डेट क्या होगी राखी बांधने के लिए, बहन क्या तरीके अपनाएगी, आइए इसके बारे में पूरा अपडेट देते हैं। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है हिंदुओं के लिए, भाई बहनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक सही जानकारी दे देते हैं। दरअसल रक्षाबंधन 2023 में 30 या 31 तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। फिलहाल हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व होता है और ये पर्व भाई बहन के स्नेह को दर्शाता है। रक्षाबंधन को राखी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आता है और ये त्यौहार पूर्णिमा तिथि पर ही मनाया जाता है। अगर इसमें भद्रा लगी है तो नहीं मनाया जाता। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर राखी पर भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा भद्रा रहित मनाना चाहिए। यानी आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, अपने भाई को राखी बांध रही हैं, तो आप ये मुहूर्त जाने भद्रा ना हो। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया लगा है, तो आखिर कब मनाए रक्षाबंधन? ज्योतिष आचार्यों के अनुसार साल 2023 में राखी का त्यौहार 30 या 31 अगस्त 2023 दो दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि रक्षाबंधन के लिए त्यौहार का समय यानी कि दोपहर का समय उत्तम होता है। खासकर रक्षाबंधन के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम बताया गया है। अगर भद्रा काल की वजह से दोपहर में मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। पूर्णिमा कब से कब तक है? आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से लग जाएगी, लेकिन जैसे ही लगेगी तुरंत भद्रा भी लग जा रहा है। इसी के साथ और आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो कब से कब तक भद्रा रहेगा? आपको मैंने बताया कि 30 अगस्त को 10:58 से ही पूर्णिमा के साथ भद्रा भी लग जाएगा, जो रात्रि को 9:01 तक रहेगा। तो बहन अपने भाई को राखी कब बांधें, इसका मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर जानकारी कोई नहीं देगा। 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त प्रदोष काल में हो रहेगा, यानी रात को 9:02 के बाद 9:06 ध्यान रखिएगा, रात्रि को 9:02 से रात्रि 9:06 तक यानी केवल 4 मिनट का समय रहेगा प्रदोष काल का मुहूर्त जब आप राखी बांध सकते हैं। फिलहाल आप प्रदोष काल में रात में राखी नहीं बांधना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दिन में सुबह के समय ये त्यौहार मनाते हैं, रात्रि में नहीं मनाते, तो आप सुबह भी राखी मना सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन 31 अगस्त को आप मना रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाइएगा सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से लेकर सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन का त्यौहार यानी जो मुहूर्त रहेगा, जिसमें भद्रा काल भी नहीं लगा रहेगा और साथ ही पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। 7:05 के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, तो रक्षाबंधन का मुहूर्त भी निकल जाएगा। तो आप सुबह जल्दी उठिएगा, 31 अगस्त को आप अपने भाई को राखी बांधिएगा। दिन का समय उजाले का समय है, जल्दी सूरज निकलता है, आप भी जल्दी उठिए, भाई बहन जल्दी उठकर त्यौहार को मनाइएगा। तो ये एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आप चाहें तो 30 अगस्त को 9:02 के बाद आप राखी बांध सकती हैं, या फिर 31 अगस्त को 7:05 के सुबह पहले मना सकते हैं। ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। तो ये शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया, पूजा विधि बताएंगे, साथ ही साथ राखी बांधने का समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए यह भी जानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।